अफेक्ट ऑफ कंप्रेशन ऑन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। देखो, जब आप किसी भी लिक्विड को या किसी भी बॉडी को डेप्थ नीचे लेके जाते हो, है ना, किसी डेप्थ नीचे लेके जाते हो, तो उसकी डेंसिटी चेंज हो जाती है। हमने डिस्कस किया डेंसिटी चेंज हो जाती है। डेंसिटी कैसे चेंज होती है, मैं इसका फॉर्मूला बनाने वाला हूं, ठीक है। फॉर्मूले में क्या करेंगे, आप ये स्टेप्स ना लिख लेना, इस थ्योरी की छोड़ देना, अपने स्टेप्स लिख लो। सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। हम टॉपिक करने वाले हैं अफेक्ट ऑफ डेंसिटी और डेप्थ के साथ डेंसिटी कैसे चेंज हो रही है। तो डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, आप सीधा इसमें एरर का रूल लगा देना, डेल्टा रो बाय रो, देखो मास तो चेंज होता नहीं, और माइनस डेल्टा वी बाय वी, इसमें माइनस लगेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में वी है, वैसे एरर में हमेशा प्लस होता है, पर यहां पर माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि नीचे जाके वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, मास चेंज नहीं होता ना कभी भी, ठीक। तो मास में तो डेल्टा एम जीरो ही होगा। तो पहला स्टेप क्लियर है यहां तक, तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर वन आ गई। तो लिख लेना प्लीज, बुकलेट में थोड़ा अजीब सा लिखा हुआ है, तो डेल्टा रो बाय रो इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी बाय वी। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक, पहला स्टेप। दूसरा, अब मुझे पता है कि जो बल्क मॉडुलस होता है वो क्या होता है, माइनस डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा वी बाय वी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डेल्टा वी बाय वी निकाल लो माइनस डेल्टा पी डिवाइडेड बाय के, ये आपकी सेकंड इक्वेशन, ठीक है, लिख लिया। अब एक काम करो, इसमें डेल्टा वी बाय वी की वैल्यू को यहां से निकाल के यहां पे पुट कर दो, चलेगा। तो ये पुट कर देते हैं तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा डेल्टा रो बाय रो इज माइनस डेल्टा वी बाय वी की जगह माइनस डेल्टा पी बाय के, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, डेल्टा रो बाय रो इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय के, राइट, क्लियर है। डेल्टा रो क्या होता है, रो डैश माइनस रो बाय रो, डेल्टा पी बाय के फॉर बल्क मॉडुलस, रो डैश बाय रो माइनस वन डेल्टा पी बाय के, यहां से रो डैश बाय रो की वैल्यू क्या आएगी, वन प्लस डेल्टा पी बाय के, तो रो डैश की वैल्यू क्या आएगी, रो वन प्लस डेल्टा पी बाय के। इस फॉर्मूले को आप याद करेंगे। अब जैसे क्वेश्चन आएगा, आप 3000 मीटर डेप्थ पे चले गए, आप डेल्टा पी तो निकाल ही सकते हैं एच रो जी, बल्क मॉडुलस क्वेश्चन में गिवन होगा, एक्चुअल डेंसिटी वाटर की गिवन होगी सरफेस पे, सीधा फॉर्मूला लगाओ रो डैश आ गया, तो वो इतना बड़ा मेथड करने की जरूरत ही नहीं थी आंसर।